हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइंड मैप लिटरेचर। और अभी तक हमने रेनेसां पोइट्री के बारे में पढ़ा है और आज से हम डिस्कस करने वाले हैं रेनेसां प्रोस। अब प्रोस क्या होता है? जो भी चीज़ पोइट्री नहीं होती उसे प्रोस कहते हैं। प्रोस कुछ भी हो सकता है, रिलीजियस राइटिंग हो सकती है, ऐसे हो सकते हैं, ट्रैवल राइटिंग हो सकती है, रोमांस राइटिंग हो सकती है, डायरी राइटिंग हो सकती है। तो प्रोस कई प्रकार से हो सकता है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि पोइट्री को बस आर्ट माना जा रहा था और ड्रामा को बस आर्ट माना जा रहा था, प्रोस कहीं था ही नहीं। सिर्फ इम्पोर्टेंट थे पोइट्री और ड्रामा, और जो ड्रामा भी होते थे वो पोइट्री वर्स में लिखे होते थे। तो इस एरा से नया जॉनरा स्टार्ट हुआ जिसे प्रोस राइटिंग कहते हैं। लेकिन प्रोस राइटिंग इस समय इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना रेनेसां ड्रामा या रेनेसां पोइट्री या एलिजाबेथन पोइट्री या एलिजाबेथन ड्रामा, ये सब इम्पोर्टेंट थे। प्रोस राइटिंग बहुत कम इम्पोर्टेंट थी। लेकिन प्रोस राइटिंग इम्पोर्टेंट ना होने के बावजूद भी लोग प्रोस में लिख रहे थे। अब हम रेनेसां प्रोस को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें वो लिखी जा रही थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है बाइबल। तो अब आप सोचेंगे कि बाइबल एक कैसे कैटेगरी है? तो देखिए, इंग्लैंड जो था वो क्रिश्चियन स्टेट नहीं था, क्रिश्चियन कंट्री नहीं थी। उसको क्रिश्चियनाइज किया गया है, रोमन्स द्वारा उसको क्रिश्चियनाइज किया गया था। तो अभी तक जितनी भी बाइबल इंग्लैंड में थी वो सब लैटिन टेक्स्ट में थी। इंग्लिश में कोई भी बाइबल अवेलेबल नहीं थी, और अवेलेबल भी थी तो वो ऑथराइज्ड वर्जन नहीं थी। तो किंग जेम्स जो थे, जो ग्रेट पैटर्न थे आर्ट और लिटरेचर के, उन्होंने बाइबल के इंग्लिश ट्रांसलेशन को पैट्रोनेज किया और एक बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ जिसे हम जानते हैं ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, और इसे किंग जेम्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन किंग जेम्स ने इसे ट्रांसलेट नहीं किया था, इसको पैट्रोनेज किया था, पैसे दिए थे ट्रांसलेशन के लिए, और इनकी गाइडेंस के अंडर में ट्रांसलेशन हुआ था। और ये पहली ऑथराइज्ड वर्जन थी बाइबल की इंग्लैंड में। जब इंग्लैंड में बाइबल की बात आती है तो बहुत सारे नाम दिमाग में आते हैं, जॉन वाइक्लिफ, कवरडेल, टिंडेल। तो ये कुछ नाम हैं जो मॉन्क्स थे या राइटर थे जिन्होंने ट्रांसलेशन किया बाइबल में। अब जो दूसरी कैटेगरी है प्रोस की, वो है पैम्फलेट। आपने नाम सुना होगा पैम्फलेट का। तो इस समय पैम्फलेट एक जॉनरा था प्रोस राइटिंग का। इसमें लोग क्या करते थे, राइटर क्या करते थे, किसी भी इवेंट को एक फनी वे या सैटायरिक वे में प्रेजेंट करते थे। ये उस समय के न्यूज़ आर्टिकल की तरह होते थे जो बहुत फनी वे में लिखे होते थे। इसमें अक्सर थीप्स और चीट्स का डिस्कशन हुआ करता था। एक फेमस पैम्फलेट के बारे में आपको बताता हूँ जो रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा था। और ये पैम्फलेट बहुत कॉन्ट्रोवर्सियल था, लेकिन शेक्सपियर को इस पैम्फलेट का कोई असर नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी पैम्फलेट्स उस समय छापी जाती थी। उसके बाद प्रोस राइटिंग की नेक्स्ट कैटेगरी है ट्रैवल राइटिंग। अब जैसा कि रेनेसां एज चल रहा था, नई डिस्कवरीज हो रही थी, नए नए लैंड डिस्कवर किए जा रहे थे, तो ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी राइटिंग लिखी जा रही थी। अब ट्रैवल राइटिंग में बहुत सारी कैटेगरी है, जिसमें से हम एक कैटेगरी मान लेते हैं न्यू फाउंडलैंड के ऊपर। अब न्यू फाउंडलैंड क्या है? जितने भी ट्रैवलर हैं, यदि वो नया आइलैंड या नई जगह डिस्कवर करते हैं तो उसके बारे में कुछ लिखेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लैंड है भी नहीं और एक फिक्सियस लैंड के बारे में लिख दिया। और एक यही जॉनर है यूटोपिया करके। यूटोपिया की क्या मीनिंग होती है? एक परफेक्ट कंट्री, अ परफेक्ट स्टेट, अ आइडियल स्टेट, जहाँ हर चीज़ आइडियल है, जहाँ हर एक इंसान खुश है, जहाँ बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है, जहाँ कोई रूल्स नहीं तोड़ता, कहीं लड़ाई नहीं होती, गवर्नमेंट परफेक्ट है, वहाँ के लोग परफेक्ट हैं, वहाँ की आर्मी परफेक्ट है। तो ऐसे स्टेट को बोलते हैं यूटोपिया। और ये यूटोपिया जॉनरा स्टार्ट किया था थॉमस मोर ने अपनी बुक यूटोपिया, जो उन्होंने लिखी थी 1516 में। तो जब कोई ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड के बारे में लिखता है तो उसके दो ही रीज़न हो सकते हैं। पहला, या तो वो अपने स्टेट को, अपनी कंट्री को परफेक्ट बनाना चाहता है उसी यूटोपिया के जैसे, या दूसरा वो अपनी कंट्री या अपने स्टेट को क्रिटिसाइज कर रहा है, अटैक कर रहा है, वहाँ के सिंस, वहाँ के करप्शन को दिखा रहा है। तो कुछ ऐसा ही किया था थॉमस मोर ने अपनी बुक यूटोपिया में। उन्होंने अपने स्टेट के करप्शन को भी दिखाए, अपने स्टेट के सेंस को भी दिखाए, और ये उम्मीद भी दिखाई कि हमारा स्टेट भी कभी यूटोपिया जैसे आइडियल हो सकेगा। ट्रैवल राइटिंग की सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है कॉलोनियलिज्म। अब कॉलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म क्या होता है? देखिए, किसी भी कंट्री की बुक में हमेशा उस देश की अच्छाई दिखाई जाती है, उस देश की बुराई थोड़ा छुपा के रखी जाती है। हम हमेशा ये पढ़ते आए हैं कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो क्या जब तक कोलंबस अमेरिका नहीं पहुंचे तो वहां लोग नहीं रहते थे? रहते थे, बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा दिखाया कि इनने डिस्कवर किया अमेरिका, और जब ये पहुंचे तब वहां पे लोगों ने रहना स्टार्ट किया। तो ये चीज़ें हमेशा यूरोपियन कंट्री और ब्रिटिश एम्पायर द्वारा छुपाया जाता है कि
जब ये किसी स्टेट में कॉलोनी बनाने गए वहाँ कोई नहीं रहता था, या हम जब वहाँ पहुँचे तब वहाँ सिविलाइजेशन चालू हुआ। ये हमेशा न्यूफाउंडलैंड्स जैसे अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इंडिया, इनको ट्रॉफी की तरह समझते हैं कि जब ये लोग वहाँ पहुँचे तब वहाँ सिविलाइजेशन चालू हुआ। ऐसा नहीं है, इन्होंने वहाँ की सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया और अपनी सिविलाइजेशन वहाँ पर स्टार्ट की। इन कॉलोनीज की वेल्थ लूट के अपने स्टेट में लेके आए, अपनी वेल्थ बढ़ाई, और यही सब चीज़ें नेगेटिव चीज़ें हैं जो वो अपने लिटरेचर में नहीं दिखाते, अपने कॉलोनियलिज्म या अपनी इंपीरियलिज्म राइटिंग में नहीं दिखाते। वो दिखाते हैं सिर्फ अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें। अब जैसे विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है द टेम्पेस्ट, उसमें इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म की एलगरी दिखाई गई है। आपको याद होगा टेम्पेस्ट की कहानी क्या है, एक किंग है, उसका भाई उस किंग को अपने राज से बेदखल कर देता है, तो वो किंग एक नए आइलैंड में जाता है और वहाँ बस जाता है और वहाँ के लोगों को अब बोलता है कि ये आइलैंड मेरा है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये एक झलक दिखा रहा है इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म की। मतलब आप अगर नए स्टेट में आए तो आप वहाँ के किंग हो गए या आप वहाँ के हेड हो गए। तो ये सब चीज़ें ट्रैवल राइटिंग की कैटेगरी में आ जाती है। उसके बाद प्रोज की एक नई कैटेगरी है रोमांस। रोमांस एक जॉनर था जिसमें नाइट्स और किंग्स अपनी लव स्टोरीज दिखाते थे या क्वेस्ट में जाते थे, किसी रानी को जीत के लाते थे। तो ये जॉनरा कभी कभी प्रोस में लिखा जाता था, कभी पोएट्री में लिखा जाता था। तो कुछ राइटर्स हैं जैसे जॉन लिली, इन्होंने एक प्रोस वर्क लिखा था यूफिस द एनाटॉमी ऑफ बिट, जो एक प्रोस रोमांस था। उसके बाद सर फिलिप सिडनी ने एरकेडिया लिखा, ये भी एक प्रोस रोमांस था जो सर फिलिप सिडनी ने अपनी सिस्टर काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक के लिए लिखा था। तो ऐसे बहुत सारे प्रोस रोमांस थे जो इस समय लिखे गए। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है एसेज की। ये पहली बार था जब इंग्लैंड में ऐसे लिखना चालू हुआ। एसेज वेयर रिटन इन लॉन्ग पैराग्राफ एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन थे जिन्होंने सबसे पहली बार एसेज लिखे इंग्लिश में। अपने एसेज को फ्रांसिस बेकन ने नाम दिया एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। ये एसेज डिडैटिक थे। डिडैटिक मींस इंटेंडेड टू टीच। जब हम शिक्षा देने के लिए या कुछ सीख देने के लिए राइटिंग लिखते हैं तो उन्हें डिडैटिक कहते हैं। तो ये जितने भी एसेज थे ये डिडैटिक थे जो फ्रांसिस बेकन ने लिखे थे। कुछ इंपॉर्टेंट एसेज हैं जैसे टू फ्रेंडशिप, टू स्टडी। फ्रांसिस बेकन ने एक नया जॉनर स्टार्ट किया इंग्लैंड में। इनके बाद बहुत सारे राइटर्स ने एसेज लिखना चालू किया। एसेज के बाद नेक्स्ट कैटेगरी है रिलीजियस राइटिंग की। जब बात रिलीजन की आती है तो प्रीस्ट और मॉन्क की बात भी आती है। तो प्रीस्ट और मॉन्क जब अपनी सेरमन देते थे या गॉड की बातें लोगों तक पहुंचाते थे तो वो प्रोस के रूप में लिखी होती थी। जैसे जॉन डन एक राइटर थे जिन्होंने बहुत सारी पोएम्स भी लिखी और बहुत सारी रिलीजियस सेरमन भी लिखी। जॉन डन एक पोएट तो थे लेकिन ओरिजिनली वो एक मॉन्क थे, एक प्रीस्ट थे, एक चर्च ऑफिशियल थे जो सेरमन दिया करते थे। तो रिलीजियस राइटिंग भी एक कैटेगरी है प्रोस राइटिंग की। तो ये कुछ कैटेगरीज थी जो रेनेसा एज में पॉपुलर थी और लोग इनके ऊपर लिखते थे। अगले लेक्चर्स में जो इम्पोर्टेंट प्रोज वर्क हैं हम उनका डिस्कशन करेंगे। सो इफ़ यू ऑल लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, देयर इज़ व्हाट्सएप नंबर, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज एंड डाउट्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड टू माइंड मैप लिटरेचर। थैंक यू।